अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल एसएल ऑफिशियल। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाला हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से अनाउंस की गई नई वैकेंसीज का। तो जाके चेक करते हैं कौन कौन सी नई वैकेंसीज किन शहर के लिए है, क्या क्या उनका क्राइटेरिया होगा, एवरीथिंग है इस वीडियो में डिटेल से चेक करने वाले हैं। तो आपने सर्च करना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। पहले ही आपको एक वेबसाइट इनकी शो हो रही है, आप इस पर क्लिक करना है। तो जाके चेक करते हैं कौन कौन सी नई वैकेंसी अनाउंस की गई है। ऊपर आपको कैरियर पोर्टल इनका शो हो रहा होगा, तो इस पर क्लिक करते हैं। जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस पर क्लिक कर देंगे कैरियर पोर्टल पर, जाके चेक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको पेज शो होगा, ठीक है। आपने जो ड्रैग करना है, आपके सामने दो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो हो रही होंगी, डिफरेंट पोजिशन की दो नई नई एडवर्टाइजमेंट है। उनको जाके एक बारी बारी सबको चेक करती हैं, जिनकी मोटी मोटी बात ये होगी कि आपने आईटी गवर्नमेंट एंड टेक्निकल प्रोसीजर यानी कि प्रोसिक्यूटमेंट की जॉब है, उसके टाइटल जो है पोजिशन का, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट इसका होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट इसका होगा। नेक्स्ट पोजिशन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, इसका डिपार्टमेंट भी सेम होगा। आपने इसको अप्लाई करने के लिए इस प्रोफाइल डिटेल में अपने आप को जो भी अपनी डिटेल्स होंगी तमाम चीज़ें आपने मेंशन करनी है, ठीक है। जो भी आप जिसमें आपने अप्लाई करना है उसमें आप क्लिक करके हर चीज़ इसमें आपने अपलोड करने के बाद रेज्यूमे अपनी हर चीज़ अपलोड करने के बाद पीडीएफ फाइल में उसके यहाँ सबमिट करेंगे। तो हम बारी बारी इनकी डिटेल चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ क्लिक करते हैं, इस पर कुछ आपको ऐसा धुंधला सा शो होगा, इसको थोड़ा मजीद क्लैरिटी के लिए उसको जूम कर लेते हैं। तो इसमें जो बेसिकली बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं गाइड कर देता हूँ। आपसे जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये कराची बेस ऑफिस के लिए जॉब हो, कराची शहर के लिए जॉब है, ठीक है। इसको अप्लाई करने का तरीका इस तरह होगा कि आपने अपने तमाम जो आपने फॉर्म फिल करने, इसके अलावा आप इस वेबसाइट पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल एड्रेस पर भी जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं 15 नवंबर से पहले पहले तक। बाकी इसकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं आप तौर पर चेक कर सकते हैं। इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्किल्स रिक्वायर्ड किए गए हैं वो आपको आईटी पर फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स और रिटन स्किल्स जो होते हैं वो आपके पास अच्छे होने चाहिए। एजुकेशन की बात करते हैं तो अब बी एस होने 4 साल का जो होता है वो आपसे रिक्वायर्ड किया गया। इसके अलावा 7 साल का एक्सपीरियंस आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। बाकी हम नेक्स्ट पोस्ट पे मूव करते हैं। इसका टाइटल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, इस पर क्लिक करते हैं एडवर्टाइजमेंट पर। तो आपको बाकी ये भी कराची हेड ऑफिस की जॉब होगी, अप्लाई करने का तरीका एज सेम होगा 15 नवंबर से पहले पहले का। इसको इसमें क्लैरिटी के लिए आपको गाइड कर देता हूँ कि इसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड किए गए हैं वो आपको बेसिकली आईटी जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड किए गए, सारे CSS, जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आईटी के स्टूडेंट्स बेहतर जानते हैं। एजुकेशन की बात किया तो मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई कंप्यूटर साइंसेज में, इसके अलावा 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस सेम कैपेसिटी में रिक्वायर्ड किया गया है। बेसिकली दो जॉब्स कराची के लिए अनाउंस की गई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSEX की तरफ से। तो बेसिकली गाइस ये थी आज की वीडियो। होप सो गाइस आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो शेयर कीजिए। जो लोग इनमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो इनमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप खुद भी अप्लाई करें। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।